मध्ये आपण पाहू शकता श्रीमद भगवत गीता, त्याचप्रमाणे लोकमान्यांची पगडी, केसरीचा पहिला अंक आणि लोकमान्यांची प्रतिमा। एक विशेष बात है इस समारोह की, 1 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है, जे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जींच्या सूचनेनुसार नमामि गंगे प्रोजेक्टला डोनेट करण्यात आलेली आहे। लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्य एवं विचार हमारी प्रेरणा है। आदरणीय मोदी जी, आपल्या कार्य कौशल्यामुळे, आपल्या कार्य कर्तृत्वामुळे आपण संपूर्ण जगामध्ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री आहात, तरीही तुम्ही स्वतःला प्रधान सेवक म्हणवता आणि म्हणून आम्हा सगळ्यांना तुम्ही खूप आवडता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस शुभ अवसर पर आप आपके मन की बात कहे। लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथी आहे। देशाला अनेक महानायक देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मी कोटी कोटी वंदन करते। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान अजीत पवार जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक तिलक जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जी, तिलक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं। आज हम सबके आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है। मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज या महत्वाचार दिवसी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धरतीवर येण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य आहे। ये पुण्यभूमी
छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ूसेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ूसेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।